ओके हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एवरीवन। आज हमारे साथ जो है एक ट्रूली जो है इंटरनेशनल एक्टर मौजूद हैं। वो एक पाकिस्तानी कैनेडियन है और उसके साथ जो है उनकी जो अप्रोच है वो बहुत मुनफरिद है। ऐसा नहीं है जिस तरह कि हमारे मोस्टली एक्टर्स जो होते हैं वो लंबे रोल्स या लंबी लाइंस या स्क्रीन टाइम इसके ऊपर नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि जो स्ट्रेंथ है उस रोल की वो क्या है और हमेशा उसके पीछे जाते हैं। आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो नन अदर देन हमारे हैं अपने अली काजमी। तो अली काजमी को हम इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। अभी मिसाल क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है यार? इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू मैन। कैसे हैं, सब ठीक मैनेजर ठाक है। है? थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल एंजॉय यार, एंजॉय बिल्कुल। एंजॉय कर रहे हैं घर में बंद होके फैमिली के साथ, अच्छा टाइम। कहाँ, कोशिश यही है, बिल्कुल कोशिश यही है कि आई थिंक द बेस्ट थिंग टू से फॉर दैट व्हिच आई रेड समवेयर कपल ऑफ मंथ्स अगो, नाउ इट फील्स लाइक कि हम ऐसे ही हैं फॉर सो लॉन्ग। लेकिन आई गेस बट 2.5 मंथ्स अगो मैंने एक चीज पढ़ी थी विच सेड यू आर नॉट स्टक एट होम, यू आर सेफ एट होम। सोचो, ठीक ये बड़ी बात अच्छी है, बात है। बहुत अच्छी हाँ बात है। मेरे ख्याल में हमें ज्यादा दोहरानी चाहिए इस बात को कि आप स्टक नहीं है बल्कि आप सेफ हैं, क्योंकि आप जो है एक खतरनाक चीज से बच रहे हैं और बचा रहे हैं दूसरों को भी। अली, बिल्कुल आपसे बहुत दिनों से बातचीत करना चाह रहे थे, आज मौका मिल गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक और यू फॉर आपके हैविंग मी सर। लिए मैं आपके लिए ये कह सकता हूँ कि मैंने आपको बचपन से ग्रो करते हुए देखा है, जब से आप एक्टिंग शुरू की है। वरना नॉर्मली लोग कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहे हैं, लेकिन मैंने आपके बचपन से आपको देखा हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप करते रहे हैं हमेशा से। और जो है वो आप भी कमाल कर रहे हैं भाई, मेरे मेरे हिसाब से तो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं आप, और बहुत ही मजा आ रहा है आपके काम को देख के। आपके लाखों फैंस जो हैं वो बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को, आपके प्रोजेक्ट्स को। तो हम शुरू करते हैं थोड़ा सा बचपन से, क्योंकि आपके जो वालदैन हैं वो भी हम सबके लिए असासा हैं पाकिस्तान के अंदर। बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं दोनों, साहिरा काजमी साहिबा और राहत काजमी साहब। तो ये बताइए कि बचपन में इतने बड़े जायंट्स के साथ जो है वो ग्रो अप होना कैसा रहा आपके लिए? आई थिंक सबसे खूबसूरत बात उसकी ये थी कि वो जायंट्स तो है लेकिन वो जायंट्स सिर्फ घर के बाहर थे। घर पे वो हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, एक आई थिंक दी मोस्ट डाउन टू अर्थ, अगर मैं सिर्फ एज पीपल उनकी बात करूँ, आई आई लव द फैक्ट कि मैं खुशी से कह सकता हूँ कि मैं मेरे वालदेन दिल के बहुत साफ और बहुत अच्छे इंसान है। दे गुड बिल्कुल पीपल एंड बिल्कुल आई थिंक उन्होंने घर में यही वैल्यूज रखी। कभी भी ये नहीं था कि बेटा पैसे कमाने हैं, स्टार बनना है, हम भी बहुत बड़े स्टार हैं, ये वो, कभी देयर वाज नथिंग वी एवर, उन्होंने ये कभी फील नहीं होने दिया। इट वाज अच्छा ऑलवेज कि बेटा जो भी करो, हार्ड वर्क, मेहनत, पढ़ाई वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी करो ट्राई डू द बेस्ट यू कैन। I think they kept it very light. ये credit उनको जाता है कि उन्होंने कभी भी हमारे सर पर नहीं बिल्कुल चढ़ने दिया। एंड इवन दो माई सिस्टर एंड आई बोथ हम बचपन से टीवी पे आ रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तब से भी it was considered, हमारे घर में तो it was considered an art. It was always considered कि बेटा कोई अच्छी चीज कर रहे हो, सोच समझ के करना, ये वो सारी वो वैल्यूज, वो सारी चीजें वो ऑलवेज इंग्रेन्ड, एंड ऑलवेज की पढ़ाई लिखाई, लिखत पढ़त इज नंबर 1, चाहे जो भी हो, एब्सोल्युटली वेदर यू वांट बी एन एक्टर, यू वांट बी अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एनीथिंग, लिखत पढ़त, पढ़ाई, रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई बिल्कुल थिंक या आई मीन सो दे डेफिनेटली आर जायंट्स, बट आई थिंक मोर देन दैट दे आर जायंट ह्यूमन बीइंग्स। आई थिंक दे आर जस्ट ब्यूटिफुल पीपल जिन्होंने कभी भी स्टारडम को घर से कभी घर को कभी इफेक्ट नहीं होने दिया। इन दैट सेंस आई मीन दे डिडंट लेट, दे वेरी प्राइवेट पीपल आल्सो। आई थिंक ये एक अच्छी बात थी। वी ये ग्रो अप अच्छी इन अ बात टाइम है। विदाउट सोशल मीडिया, सो देयर वाज नॉट ऑलवेज, दे एट दैट टाइम आई थिंक इट वाज ओके टू से नो टू रिपोर्टर्स एंड ब्लॉगर्स, एंड आजकल तो लोग डरते हैं ना ना बिल्कुल कहने बिल्कुल से, हाँ कोई ना कोई को बुरी चीज छाप देगा, कोई बुरी चीज हो जाएगी। बट आई थिंक बैक देन इट वाज ऑल राइट टू से नो,
I think it was okay कि you know we're happy please और acceptable भी था उसके लिए नहीं तो जो जिस तरह की तरबियत उन्होंने की है वो बिल्कुल नजर आती है अली इसका सबूत आप खुद हैं चलता फिरता हंसता गाता बोलता जबरदस्त बात है बिल्कुल सही बात है स्कूल में कभी ऐसा होता था कि बच्चे बोलते हो कि यार तुम्हारे पेरेंट्स उतने फेमस हैं या हमें फोटो खिंचवा दो ऑटोग्राफ दिला दो ऐसी कोई बात होती थी यार हाँ एक्चुअली मेरी अनफॉर्चुनेटली बड़ी कैंडिड बात मैं शेयर करता हूँ आपके साथ एक्चुअली मेरी बड़ी लड़ाइयाँ हुई एक्चुअली मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ओवर दिस फैक्ट इसके मैं जूनियर स्कूल में हेड बॉय होता था और पढ़ाई में सॉलिड था अप टू एन एक्सटेंट फिर जब आफ्टर माय टीन इयर्स तो फिर भूल गया लेकिन उससे पहले हाँ आई यूज्ड टू बी हेड बॉय एंड आई वाज वेरी सीरियस माय स्टडीज एंड थिंग्स एंड मैं डिबेट्स भी करता था एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स माय सिस्टर वाज हेड गर्ल ऑफ द सीनियर ब्रांच अच्छा माशाल्लाह तो और पेरेंट्स माशाल्लाह अपने पीक पे थे दिस इज अर्ली 90s लेट 80s अर्ली 90s और सो आई थिंक देयर वाज अ स्ट्रेंज कुछ एक अजीब पता नहीं मुझे तो इट टुक अ व्हाइल फॉर मी टू अंडरस्टैंड एज अ किड इट्स वेरी स्ट्रेंज आप 10 11 साल के 12 साल के यू नो ऐसा था कि आई थिंक अ लॉट ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स इवन आई थिंक उनको घर पे सुनने को मिलती थी कि व्हाई कांट यू बी मोर लाइक them and you know क्या नाम है अच्छी चीज करो उसके parents भी इतने famous हैं उनको देखो वो भी sports captain है वो head boy I don't know शायद इस तरह की बात होती हो बिल्कुल शायद इस तरह की बात होती हो तो मेरी बड़े अच्छे अच्छे दोस्तों से लड़ाई हुई ऐसी बात है कि all of a sudden वो थोड़ा jealous होना शुरू हो गए थोड़ा अजीब सी बात है कहते भी अजीब सा लगता है लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल बहुत बड़ी लड़ाई हुई इससे मेरी हाँ पड़े हुए काफी मैं बहुत पीसफुल आदमी हूँ बेहद पीसफुल आदमी हूँ आई हेट फाइटिंग आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स आई डोंट लाइक फाइटिंग लेकिन लेकिन जब फैमिली को डिफेंड करना पड़ता है तो फिर लड़ना पड़ता है तो मेरी आई थिंक पहली जिंदगी में पहली लड़ाई हुई इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हो रही है मेरे बेस्ट फ्रेंड से दो स्कूल में और वो एकदम से ना आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्ट टू गेट वेरी रिजेंटफुल और वो थोड़ा जले सुना शुरू हो गए और फिर यू नो प्रैंक कॉल जरिए वो और फिर जरा धक्कम धक्की रोज के अच्छा क्या भाई क्या समझ रहा है क्या समझ रहा है मेरे ख्याल में क्या हो गया भाई वो गोल तू मैं लेकिन बस भाई फिर लड़ाई से हो गई बट बचपन बचपन में बिल्कुल हां बच्चे ऐसे ही होते हैं आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडिंग दैट साइकोलॉजी इज काइंड ऑफ टफ फॉर द पीपल ऑन द आउटसाइड एंड फॉर द पीपल ऑन द इनसाइड सो आपका सवाल एक्चुअली बहुत डीप है वो बिकॉज इसलिए कि साइकोलॉजिकली आई थिंक आवर पेरेंट्स हैंडल इट वेरी वेल इन दैट सेंस आई वुड से दैट बिकॉज़ हम साइकोलॉजिकली काफी अनस्कार्ड रहे फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई मीन यस आई टुक इट कि यस लड़ाई हुई ठीक है लेकिन मैंने बुरा नहीं माना माय पेरेंट्स से कि बेटा उन्हें समझाया कि बेटा ये इसलिए है ऐसी बात नहीं है वो बुरा नहीं चाहते बस उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है एंड You know, I think we kind of parents really make things easy for us in the sense that हमें समझती हर चीज की और over above everything ये था कि अच्छे इंसान बनो बाकी सब कुछ जो है will follow. That's the secondary kind of बहुत बहुत खूबसूरत बात है बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल में हर एक को ये समझना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए बचपन में जब आपने एक्टिंग शुरू की थी तो आपको खुद शौक था या अम्मी ने कहा कि भाई एक रोल है बच्चे का चलो आ जाओ स्टूडियोज क्या सीन था शायद मुझे बहुत डंडे पड़े अच्छा एक काम यही करो वरना और कुछ मजाक करो किसको बताइएगा मत बहुत सीक्रेट बात है बहुत डंडे पड़े थे नो आई एम एब्सोल्युटली जोकिंग टू बी ऑनेस्ट आई एम अ वेरी फिल्मी पर्सन माय सेल्फ एनीबॉडी दैट नोज मी नोज दिस ट्रूथ अबाउट मी मैं बचपन से आई हैव बीन वेरी वेरी इट्स समथिंग आई मीन मे बी My sister is not, on the other hand. मेरी बहन जो है उसने कुछ ड्रामे किए and stuff and then she herself wanted to give it up. It wasn't a, you know, she wasn't enjoying it as much as I do. I am completely bitten by the media bug in that sense. बचपन से मैं पूरे खानदान को ये ऐसा भी हुआ it was a double edged sword in the sense that there were some things लेकिन वो तो मुझे याद भी नहीं है वतन की मिट्टी एक बड़ा फेमस गाना है नईरा नूर का जो 14 अगस्त आज तक चलता है उसमें हम सो रहे थे अब्बा में और अम्मा ने सुबह सुबह 6 बजे
फिल्मिंग करी थी हमारे गार्डन में, तो उन्होंने मुझे निदा और अब्बा को डाल दिया उसमें. तो देयर वर टू थ्री थिंग्स लाइक दैट. लेकिन बाय द टाइम आई वाज अबाउट 7-8 इयर्स ओल्ड, मैं तब तक ऑलरेडी आई यूज्ड टू बी प्रैक्टिसिंग डांसिंग एंड मैं पूरे सारे खानदान को बिठा के सबकी मिमिक्री करता था, डिफरेंट एक्टर्स की मिमिक्री करता था. Nice. And things like that. So I was kind of, and I could narrate you film scenes and bachpan se hi I was always interested in watching different kinds of cinema from all over the world. So I was very much purani filmein dekhta tha. Achha. I was 7-8 years old. I watched black and white movies also. So mujhe bahut shauk tha personally of being one of them, of being on the screen, of sharing in front of the camera, yeah. with people and entertain people. Woh hamesha se mere andar hai. There's a DNA. in there. Obviously, and it runs in the blood somehow. And that way I was never forced into it ever, I think. Balki so much so, I think at one time the Abba ne shayad mujhe discourage bhi kiya hoga, beta go, you're a smart guy. I'm a big science geek. I love physics. Wow. I love and with that regard I also love sci-fi and I love astronomy. I love astrophysics. So Abba, at one point he kehte beta tum become an astronaut or do something else, be a physicist, do something interesting with your life, kyun phas rahe ho is cheez mein ja hum tak, you know, we love it, but if you love it this much then you must work hard at it and really study it and do well at it. So maine kaha, you know, honestly dad, I love science and I will continue to love science, but I think I love performance more. So doing that after about dhoop kirane mein tha main, I was 7 years old when I made this decision. So when I played in the orphanage, that's my first, I guess, proper scene which I remember doing. And I remember that feel of the studio and the feel of everybody doing their job and the cameras and the lights and my mother telling us ke Ashit Mehmood sahab aur main, legendary Ashit sahab aur main wo scene kar rahe the. और वो वन टेक शॉट है वो, और उसमें मैंने अम्मा से डंडे घर जाके खाए क्योंकि मैंने कहा क्योंकि सेटअप हुआ नीचे और अशोक साहब और मैं, अशोक साहब ऑब्वियसली यू नो इज अ गुड फैमिली फ्रेंड एज वेल, आई ग्रोन अप यू आर कंफर्टेबल विद हिम. वो हमारे घर के आके वो हारमोनियम बजाते थे और हम गाते थे साथ और ये मस्त तरह के मजे होते थे. तो उन्होंने मुझे he was really funny and he knew how to make children and everybody around him just comfortable. So उन्होंने मुझे इतना relax कर दिया था और मैं अपनी इतना मैं cocky हो गया अपनी ability में. उन्होंने कहा बेटा तुम तो scene बहुत अच्छा कर लोगे, हम rehearse कर रहे थे. तो अम्मा ने कहा कैसे था, rehearse करो अली के साथ और you know फिर मैं आगे check करूँगी. तो तैयार थे और मैंने कहा मॉम अम्मा आएंगे, अच्छा बेटा अब सब रेडी है, अब वी गोइंग गो फॉर टेक नाउ. ठीक है, वो सारे कैमरे होंगे, इज गोइंग बी यू नो यहां से हम ट्रैकिंग करेंगे और ये होगा. मैं कहा मॉम प्लीज आप टेक करें. आई गॉट इट. आई कैन नेवर इमेजिन, अल्लाह माफ करे, सेइंग टू अ डायरेक्टर नाउ, लेकिन उस टाइम पे वो 7-8 साल का हूं न्यू, मैंने कह दिया और लकीली वो सीन वो एक टेक में ओके हो गया. अच्छा, वेरी नाइस. तो मैंने बेटा अभी तो हो गया, लेकिन तुमने फिर कभी किसी भी डायरेक्टर से इस तरह बात की नहीं, अच्छा नहीं हो गया तुम्हारे साथ. मैंने कहा यस, तो यू नो यू लर्न थिंग्स एंड थ्रू द डायरेक्टर से आज तक मैंने कभी बात नहीं बोला है. बिल्कुल. लेकिन मजे की बात यह है कि अर्शद साहब ने मुझे जो बात की थी, तुम्हें भी काफी उनसे मजे की बात थी, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा. सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ. नहीं नहीं प्लीज. लेकिन वो बात बहुत मजे की है. वो बात थी कहते बेटा एज यू ग्रो ओल्डर एक बड़ी सैड बात होगी तुम्हारे साथ. मैंने कहा क्या हो गया? कहते बेटा वक्त के साथ साथ होता ये है कि अभी भी उनके भी ना बाल जाना शुरू हुए थे ना अर्शद अंकल के. तो कहते बेटा होता ही है वक्त के साथ साथ शैंपू का खर्चा कम होता रहेगा और साबुन का बढ़ता रहेगा. That's a good one. Oh God. ये बड़ा अच्छा लगा मुझे. तो मैं बड़ा हंसा और उसी पे उन्होंने कहा सारा टेक करे. तो वो फिर उस ईज में वो हो गया था. जस्ट थैंक अर्शद साहब, अर्शद अंकल फॉर रियली यू नो कीप मी रिलैक्स्ड इन द सीन.
लेकिन आई नेवर लुक बैक, सच बताऊं साल, आई बी ऑनेस्ट विद यू, मैं ये कहानी बना भी नहीं रहा, आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप. अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि यू नो अपनी अपनी स्टोरी बनाने, हर एक्टर अपनी स्टोरी होती है ना, एक थोड़ी सी स्टोरी बनाते हैं कि हाँ ये मैं टैक्सी ड्राइवर था और एक दिन कोई डायरेक्टर ने देखा और मैं स्टार बन गया. ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ मेहनत एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो उस मोमेंट से पहले प्रोसेस जो है ना पहले का, वो अलॉन्ग टाइम स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो गायब हो जाता है. द ट्रूथ इज माय प्रोसेस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 7. आई एम नॉट गोना लाई टू यू. तब से मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि आई प्रॉमिस यू आई विल टेक दिस सीरियसली एज लॉन्ग एज आई लिव. दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. मैं बहुत सीरियस था इस मामले में और मैंने तब से अपनी फिल्मों की चीजें एक्सपैंड करना शुरू कर दी. मैं फिल्मों की जर्नल पढ़ता था, सिनेमैटिक लॉग्स पढ़ता था, एक्टर्स हैंडबुक्स पढ़ता था सिंस सिंस दैट टाइम. सो आई हैव बीन वेरी 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 इन्वॉल्वड इन इट. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई वेंट टू केम टू कनाडा आई स्टडीड इट एज वेल. आई वेंट टू फिल्म स्कूल, आई वेंट टू ड्रामा स्कूल हियर. नाइस नाइस नाइस. तो आपने जब थोड़े से बड़े बड़े हुए थे तो आपने ब्रेक लिया था या किस तरह से हुआ था आपका जो ग्रोन अप रोल कौन सा? तो बेसिकली ये हुआ कि फिर देन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर देन I did a lot of ads and a lot of modeling and things like that. And then when I became about 13, I did Zikr Hai Kai Saal Ka, which is Atika Odo and my father and directed by my mother. It's a really good drama. Big, I love that. A lovely play. And a lovely, lovely play. Beautiful. But recently, I think, phir dikha rahe the PTV, I think. Okay. So that was another turning point where I knew that, theek hai, jo kar raha hu sahi kar raha hu, usme bhi bahut बहुत प्यार मिला लोगों से भी, ऑडियंस से भी. एट दैट टाइम सोशल मीडिया था नहीं, बट यू मेट पीपल ऑन द स्ट्रीट एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड आप लाइक दैट वाज यू नो रियली टीवी पे थे. एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज दैट्स लवली टू हियर कंसीडरिंग आई एम वर्किंग विद द ग्रेट्स, आई एम वर्किंग विद कादमी साहब एंड ओडो हु वर एट द पीक यू नो एंड टू शाइन थ्रू अ लिटिल बिट एंड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू दैट ब्यूटीफुल ग्रैंडियर ऑफ दोस टू लवली परफॉर्मर्स. तो वो एक थोड़ी सी कुछ फील हुआ कि अच्छा चलो यू नो सही ट्रैक पे काम करो. अम्मा ने भी एंड में कहा जब सब कुछ हो गया और पेरेंट्स कभी यूज़लेस कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते, सो दैट आई नो कि सच बोल रहे. सही बात है. इवेंचुअली जब सब कुछ हो गया और सब रिलीज हो गया सब हो गया तो उन्होंने कहा बेटा यू एक्चुअली डिड अ वेरी गुड जॉब. तो उससे मुझे बड़ा फ्यूल मिला एंड आई केप्ट एट इट. And I decided as well at that time, I think when I was a teenager, ki main, people will always compare me. And that's when you realize, when you become that age, probably when you get a little older, you're closer in, you're getting close to becoming a proper adult in, you know, 17, 18, 19. By that time, I realized that, you know, I will always be compared to my father, no matter what. Jitna mukhtalif kaam karun, I will always be compared to my father. Which is a beautiful thing. I mean, I have no problem with it. Yeah. You know, he's an amazing man, and I hope one day I can never reach his height and his intelligence. Lekin, I think what happened is that along the way I realized that I've got to make my own way and I've got to make my own choices. So maine decide kiya ki I will not just do hero stuff. But my way to make myself would to be a versatile actor. और ये मैंने अपने teens में एक decision ली थी. शामिल करती है. Which I think has. और ये पता है अली, ये नजर आता है. आप के roles जो हैं और choices हैं उनमें राहत साहब कहीं नहीं आते हैं. उनके जैसे roles आप नहीं करते हैं. ये आप सही कह रहे हैं. I didn't want to do that. Because to be honest, when you've grown up in that, when you've seen that, वो हो सकता है. I can never be my father, but I know. I can do romance. I can do those things. Hero stuff. You get it. वो आपको समझ आता है. I think the things I don't understand, the tougher things, those are the things I want to try. You know. Very nice. जैसे कि बागी हो गया, for example, much later in my life, obviously. But even then, even those early days, one of the first, when I was 18, I did a lot of ads, I did a lot of modeling. I did a sitcom called Urban Desi, which was a big hit. जो वासी चौधरी का पहला लिखा हुआ sitcom था, big hit था, उसमें वासी चौधरी और मैं थे. वो था. Then I did my first TV series, my first serial was Rubina Ashraf's directorial debut. अच्छा. Was when I was 19.
नाम याद है जी जी इट्स कॉल्ड फिर यू लव हुआ इट वाज इन द ईयर 2000 20 इयर्स अगो एंड आई वाज अबाउट 19 इयर्स ओल्ड ऑलमोस्ट 20 एंड वो दैट वाज अनदर बिग टर्निंग पॉइंट फॉर मी बिकॉज़ दैट माय फर्स्ट ड्रामा सीरियल व्हिच you know obviously it gives you so much more screen time than doing telefilm so sure you know tab tak main bahut ads bhi kar chuka tha I was the first jazz boy I was the first tapal boy I was the first oh nice so actually that time again the thing is that a lot of people you know and you can tell jo lambi desh ke ghode hain wo abhi tak hai bilkul hai ha they still exist and they are doing beautifully so there was a generation of there was the imran abbas the ali zafar the atif aslam Fawad, myself, Ahmed Ali Bhatt, and of course, I'm the senior, was Humayun, Humayun Bhai, Adnan Siddiqui, Rafiq Qureshi, you know, so we had to follow them, and humne bhi kaha ke hum bhi, you know, and there was very few of us that took it very seriously, because at that time, wo time tha ki aunties kehti thi, beta, achha, wow, aur kya karte ho? You bhi bola karte ho. Achha, acting to acting, aur kya karte ho? और क्या करते हो मैं कह जी आप अगर मेरे पेरेंट्स के भी फैन है तो वो भी ये करते थे तो मेरे लिए मैं नहीं कर सकता ये मेरे लिए बुरा है यू नो आई थिंक एवरीबॉडी थॉट कि अच्छा डेफिनेटली कुछ और भी पेरेंट्स से और क्या बढ़ के चीज करते होगे खैर सो आई थिंक आई टुक इट फ्रॉम देयर एंड मैंने उस वक्त ये चीजें कुछ सोच ली थी आई गेस तो मैं काफी टाइम से कर रहा था एंड बाय माई ट्वेंटीज माई अर्ली ट्वेंटीज आफ्टर डूइंग द ड्रामा सीरियल एंड आई डिड अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ A lot of them not even logged because वो YouTube भी नहीं था but I did about 40 plus telefilms जिसमें मैंने हर तरह के किरदार आप you name it मैं वो कर ली nice yes 40 plus telefilms about 20 plus TV serials theater plays commercials modeling so by 25 in Pakistan I was at my peak in the sense कि I had the pick of any role I wanted I was in every ad I had made a decent sum of money because yes. peso basically it wasn't the same level as now but it was I had worked so much that I'd, you know worked hard to collect a decent sum of money sure so by then I had thought ki achha ab kya kiya jaye now by then I was like I must take the legacy mere dimag mein ek cheez set thi ki you know abba ke amma ke sirf shadow mein nahi rehna I love them They have taught me so much. I want to make them proud somehow. Sure. I want to make my country proud. I want to make my parents proud. I love this job. I think it's but I kismat walon ka hi kaam hai. That's true. Khoobsurat ek job that we do. Not everybody gets to. Mere khayal mein every day that I work on set is a blessing. Is a shukr ada karta hoon Allah ka ki yaar ye mauka mila. But iske piche a lot of hard work goes behind it. And I thought that you know what can I do to take the legacy forward. क्या किया जाए सो आई वॉज इन लव विद दिस लेडी हु इज नाउ माय वाइफ तो वो कनाडा में पढ़ रही थी एंड मैं ऑलरेडी इधर पढ़ रहा था पाकिस्तान में एंड पाकिस्तान में एक्टिंग कर रहा था पढ़ रहा था साथ साथ एंड बाय बाय 17 आई स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स ओके बाय द एज 17 तो मैंने कहा था कि बस अब आई विल यू नो आई एम वर्किंग एंड ठीक है यहाँ से अब जो मिस्टेक्स होंगी वो भी मेरी होंगी और जो अच्छी चीजें होंगी वो भी आई वांटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स इन दैट सेंस यू नो ताकि मेक द पेरेंट्स आई जस्ट वांटेड टू मेक देम प्राउड बिकॉज़ दे गिव मी सो मच आई एम ऑलवेज इटर्नली ग्रेटफुल टू द लवली पीपल माय पेरेंट्स ऑफकोर्स खैर तो मैंने कहा कि अच्छा भाई अब चैलेंज अपने आप कैसे किया जाए और इस लेगेसी को काजमी लेगेसी को आगे कैसे लेके जाया जाए So I decided to do film school. Sorry. And Pakistan mein filme I would have continued on in Pakistan to be honest if there were no film schools there were no films this is the year 2007 yeah film industry khatam ho gayi thi us tarah tha nahi so I was like yeah, next step to yahi hai and agar wo hai nahi to unfortunately bahut dhoondna padega so luckily my wife who is now my wife back then you know we were really good friends and we started dating on long distance wo Canada mein thi main idhar tha acha and I asked her to marry me and we got married aur phir maine kaha ki I think it's a good
way and a good idea for me to move. She said, okay, what do we do? You want to stay here? Should we move there? Kya chahte? Maine kaha, let's have an adventure. And I want to move to Canada. Good. Because I'll do film school. Mm-hmm. And zero se start karte hain. Yehi tarika hai to actually move forward. Aage chalne ka yehi tarika hai. Kabhi-kabhi aapko, you have to burn the boats. You have to burn your boats. Get out of your comfort zone. You know, aapne bhi kiya hai. We were talking about that. That stage, aap aur main. बिल्कुल बात कर रहे हैं और ये करना पड़ता है कभी मैंने कहा अभी नहीं करूंगा तो कभी नहीं करूंगा बिल्कुल सही and at 25 I moved here to Toronto I joined film school and then I went to drama school and started from zero started my career from scratch and I promised myself कि मैं पाकिस्तान में कोई काम नहीं करूंगा for at least 5 to 6 years Till I make something of myself here. Mm-hmm. Till I make something of myself here. So ये हुआ. बहुत बहुत interesting journey है आपकी और माशाल्लाह जो आपके thought process है वो बहुत interesting है. तो यहाँ पर जब international आपने projects करना शुरू किए तो पहला project करते हुए क्या फर्क लगा आपको के back home काम करने में और यहाँ पर काम करने में? Well, पहली चीज़ तो ये थी कि I think which I've explained to a lot of youngsters in our field back home के Back home, competition तो definitely और बढ़ गई है a lot, which is great. But I think a lot of people think it's more about your social media game, or you think it's more about the followers, or Success more about your style, or it's more about your style to make it as an actor. Whereas those are secondary things, those are tertiary things, those are not sure. what makes you an actor. And I think in more advanced industries like Hollywood and even Bollywood for that matter, I think people have understood that because they've been doing it for longer. So they've understood that they've been through that time. Zyada established. Wo style wala time hai, lekin at the end of the day, lambi race ka ghoda proper performers wahi hai jo ke actors don't just worry about their style or the way they look. You have to worry about performance. Yes. So study it. Hmm. So I think that's something I realized. Starting from scratch, maine yahan pe yaar, Sal, honestly, like I did odd jobs. I did all kinds of things while I was doing film school because I couldn't, you know, hold on to a steady job. I was applying for production jobs as well. I was auditioning for all kinds of roles, anything under the sun at that time. Kuch bhi mil jaye. And after I was, when I was close to graduating, I got a job in this big studio. And literally, main wahan poche mare, maine aap logon ko coffee lage di hai. And I, Now film, movies and TV series the same studio. Great. So, nice. I mean, and I said just to say that one day I'm going to have my name up there and I'm going to, that's going to be my dressing room. I'm going to work in the studio. You know? But it was all a dream. It was all a dream and it was a lot of hard work. So the truth is, I think what I realized was by the time I made it to my first big set, it was for this show called Border on CBC. Mm-hmm. The last season tha, I was in the last two episodes and I was the big villain for the last two episodes and I was working with these Canadian like greats like these amazing actors and this amazing team and but I always knew I was confident in this in my experience I was confident in the fact that I knew okay even in Pakistan we have amazing team amazing performers our raw talent and our perseverance is brilliant the only difference I felt जो मुझे लगा वो ये था कि यहाँ पे बस efficiency और system the systematic way of performance is different you know and I think everybody appreciates the job just a little bit more because यहाँ पे I feel के even जो बंदा spot boy है और या जो बंदा जो आपकी lights की वो सिर्फ जो और जो सिर्फ सुबह वो स्टूडियो आया है just to put the lights in aur laga ke sab 6 baje khada hota hai sir what's next wo banda bhi film student hai yeah uski bhi dream hai ki wo ek din filmmaker banega ya film producer karega ya film mein ya cameraman banega ya you know cinematographer banega ya something wo bhi pad chuka hai so that's the difference I find hamara experience ke because we need more institutions hamari institutions pakistan mein have to really buck up National Academy of Performing Arts is there, which is run by Zia Saab, my father, Talat Saab, Rashid Mahmood,
Zain Ahmed. Things like that. We need more institutes like that for training our professionals. Yani ke hamare jo cinematographers hai, hamare jo lighting technicians hai. We need more technical institutes. Sure. Writers, screenwriting institutes. We need writing institutes. We need places where you can actually teach these things and you can get degrees for them. Taake, that's the difference that I wanted. Wohi mujhe laga, maine kaha yaar, ye chahiye. Difference aur koi nahi hai. Talent mein koi difference nahi thi. Khulus mein, pyar mein koi difference nahi thi. Nothing like that. It was really just the technical aspect of yeah, ye, I remember something I'll never forget. Iske wo, they gave me this, it was the first time they gave me this trailer. They gave me this nice, beautiful trailer and that's the between. Okay, Mr. Azmi, is something wrong? I'm not used to sitting inside the thing. I like talking to people. I don't know what to do inside here. So, I'm like, all right. So, in that moment, I observed jo mere senior the, jo lead the series ke, I was watching him. And I realized that this is what our professionals are like, our seniors, like Sheikh Saab, like Naveen Beg Saab, like my father, like Talat Saab. This is what it is. Ke, he was 50 plus, okay, and wo abhi tak, he was stretching before his scene, doing vocal exercises. Wo series ka end tha. Series ka end tha, but he had a vocal coach. जो उन्होंने अपने पैसों से अपने लिए रखा था अपने लिए रखा हुआ था कि यार मैं, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़े से वर्ड्स अपने खा रहा हूं तो जरा ये स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं मैंने से पूछा मैंने कहा सर आप क्यों व्हाई यू हैव दिस पर्सन हियर विद द स्टूडियो पेइंग फॉर हम कहते नो सन अच्छा वो अपने उस पे लिखा आई एम डूइंग इट जस्ट सो आई कैन बेटर माय क्राफ्ट एवरी डे वेरी नाइस एंड दैट हिट मी हार्ड दैट रियलाइजेशन इज व्हाट आई थिंक अ लॉट ऑफ यंग एक्टर्स नीड टू हैव इज बिकॉज़ As is over here, everybody's gone through the system. Everybody's worked from down the ranks to up. ये नहीं कि cinematographer का चेला है तो वो cinematographer बन जाएगा या कोई actor का बेटा है तो वो directly lead बन जाएगा. You have to option. You have to get go through the process. And I appreciate that way much more than I ever did. Right. So when I started back in Pakistan, मैंने कहा कि यार yes. लीड रोल्स भी करेंगे लेकिन आई विल नॉट से नो टू इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रोल्स एज वेल उसमें कोई कमी नहीं है आपकी इट्स योर बेहतरी एंड योर बड़प्पन एज एन एक्टर टू डू दोज रोल्स बिकॉज देन यू विल ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ टू डिलीवर वेदर यू हैव टू मिनट्स और टू आवर्स टू डिलीवर इट इन एग्जैक्टली यू मस्ट मेक इट काउंट एंड दैट्स द आइडिया एंड आई रियलाइज दैट दैट्स समथिंग आई रियलाइज फ्रॉम माय जर्नी हियर बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी बहुत लोग पूछते हैं कि आई मिस्ड द मीडिया बिकॉज़ आई लेफ्ट इन 2008 एंड आई मिस्ड द मीडिया दैट हैपेंड इन 2012 जब मुशर्रफ टाइम साहब के टाइम पे जब हुआ था चैलेंजिंग टाइम हुए और अ बिग प्रोडक्शन स्टार्ट हैपन ऑन टीवी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई मिस्ड दैट टाइम आई मिस्ड आउट ऑन दैट इनिशियल बूस्ट तभी क्या यार आप वो मिस किया शायद आप और बड़े तो यार सुपरस्टार होते ये होता वो होता ये मैं कहता लिसन यार सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है एंड जो मेरे दोस्त हैं ऑल देयर आर ह्यूज सुपरस्टार इन पाकिस्तान आई गिव देम माय सैल्यूट एंड आई लव देम एंड आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ देयर जर्नी बट माय जर्नी वाज दिस आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस दिस अदर इंडस्ट्री एंड दिस अदर वर्ल्ड एंड दिस अदर थिंग कि व्हेन यू स्टैंड इन लाइन आउटसाइड अ स्टूडियो वेयर देयर इज 3000 पीपल for a huge Hollywood film or a huge Hollywood TV series. Yeah. And you beat out those 3,000 people on your own merit. This is my audition. Wo feeling kuch aur hai yaar. Main kehta wo feeling main describe nahi kar sakta aapko. Sahi baat hai. It's better than just getting a script sent to your house. Yeah. That feeling is, man, I know I was meant to do this. And that's the feeling style I've had here from that first minute to now. Okay, yaar, ye jo feeling thi, yaar, wo main, the feeling of, you know, scoring my first big series on my own accord. Nobody knew whose son I was. Nobody cared whose son I was. Nobody cared whether I had 20 years experience or 2 hours worth of experience. They cared कि यार ये बंदा इस moment में, इस audition में, इस कमरे में कैसा perform कर रहा है. बिल्कुल ऐसे ही है. Is he blowing us away or not? And it's those 2 minutes that keeps you away from being a star or a nobody. That's true. That's the difference. That's true. Very interesting. That's what I realized. अभी अभी आपके जो international projects हैं उनमें क्या चल रहा है? कौन से projects आने वाले हैं जल्दी?
Well, Abhi, Sal, I'm very excited because there's a film, my second movie with Deepa Mehta. Bilkul, with, an amazing Canadian director. For sure, yeah. My first film with her was Bieber Boys, which was a gangster flick, which was a lot of fun. And this one is called Funny Boy, which is based on a novel by Shyam Sarvadurai. Okay. It's based in Sri Lanka. Okay. And it's a film based on the novel. Okay. It's called Funny Boy. And we filmed it in Sri Lanka end of last year. Luckily, pre-corona, amne khatam kar li. Good, good. Okay. And I'm very, very excited about that because that is a really, really a lovely film. Mm-hmm. And it's set in a different time. Lekin yet it is something that we can all relate to even today. And bahut khubsurat, bahut khubsurat topic hai aur, it's about a family, coming of age story for a family, and I'm not going to give away too much. Lekin, I'm really excited about that. So that's really beautiful. Cast ke bare mein bata dijiye. Haan. Haan ji. Cast mein aur kaun hai aapke alawa usme? Cast mein mere saath, I can't give it away yet. Okay, no worry about that. No worry about that. But the other project, which is also become an international project, is Ishrat, which is Mohib Mirza's directorial debut, which I'm also very excited about because mera boy hai, mera dost hai, bachpan ka, and I'm really excited for him because he's bahut mehnat ki hai iske liye, and many, many years. I mean, he's been building it for about 6-7 years, you know. Sorry. And sare characters jo hai, wo, it's a really, truly a character-based ensemble film where every character defines script, and each character was written for that particular actor. So I really appreciate because most of the actor hai, usne ye baat ko maddenazar rakhte hue, usne bilkul soch samajh ke ye kiya ki yaar, okay, you know what? Respect has to be given due to each performer, or wo character draft hi us bande ke liye hua. Nice. That's really cool. So it really plays up the strengths of the actor. And I think it's a very unique action comedy. Abhi tak, I know hamesha hum yahi kehte, lekin this is truly a unique film. The brand of comedy, the brand of action, is tarah nahi aapne kabhi dekhi hogi pehle Pakistan mein. Iski jo poster, ji bilkul, jo posters aaye hain wo bhi bahut different lag raha hai, bahut mukhtalif, usse feel aa jati hai na aapko. Ha, as a viewer aapko lagta hai ki posters mein dekhe aur poster mein bhi sal poster mein bhi wo ye characters ki look abhi give away bhi nahi ki. ये सिर्फ अच्छा तो अगर ये भी कैरेक्टर के लोग और मुख्तलिफ है, अच्छा, और मुख्तलिफ है, ये मजा है, ये मजा है. सो आई थिंक मोहिब एंड द होल टीम हैज वर्क रियली रियली हार्ड. सो दैट्स व्हाई आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वन, बिकॉज़ ये भी एक अगेन आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट पीस फॉर पाकिस्तानी सिनेमा, एंड आई थिंक कमर्शियल भी है लेकिन इट्स यूनिक भी है. आई थिंक इट्स गोना गिव पाकिस्तानी सिनेमा अ वेरी डिफरेंट फील. गए थे अप्रैल के एंड में थाईलैंड, एंड थाईलैंड में लकीली आई मेड इट बैक बाय 18th मार्च. अच्छा, लेकिन बाकी जो 21 फंस गए थे पाकिस्तान में, बट स्टक देयर फॉर ओवर अ मंथ. यार दैट्स लॉक. या कोरोना किसी को नहीं बचता भाई, किसी को नहीं बचता भाई. बड़ा उसने बड़ी चीजों को अपसेट किया है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अच्छा, बहुत सारे आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके फैंस हैं, वो बागी के बाद आपको फिर किसी एक बड़े मजेदार से मीठी रोल में देखना चाहते हैं. से बागी में तो आपने छा गए थे, आप बहुत ही जबरदस्त काम किया था. तो ऐसा कोई रोल अभी इज इट कमिंग अप, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में आप कर रहे हो? बस सर, और बागी का भी आपने जो बड़ी अच्छी बात की थी, आई वाज टच्ड बाय योर इंट्रो. बागी का भी इंटरेस्टिंग बात यही है कि अगेन इट वाज अ role that was offered to me, but wo thoda sa dare hue bhi the ki yaar tujhe bura to nahi lagega ki you only there in half the play, you know, aur isme koi is tarah lead us tarah nahi hai, matlab usman bhi hai tum bhi ho, aur ye main kehta dekh bhai
I love the character and the fact that I know it's going to be very unexpected for me to play a Punjabi gaon wala, dukan wala. Main logon ko surprise karna chahta hoon. You know, and I, as an actor, that's the fun part of so many people like, yaar, Abhi Kazi Punjabi bolta hai. And a lot of people didn't know that I have a Punjabi movie bhi kar chuka hoon called Sardar Ji, which is on Indian, Netflix. Indian movie thi chahta, na? Jee, it's an Indian Punjabi movie with Diljit Dosanjh. Right. And I can speak fluent Punjabi actually. Wow, nice. Aur, so ye bhi ek, it got, it was an interesting moment for me to surprise people. Aur, isi tarah ka, do teen projects hain, mazedar. Nothing like Baghi. Dekhe, sometimes some things cannot be repeated. Wo to ek, sure. एक चीज थी विद जो मजे में जो जो फारूक भाई और सरा और उर्दू वन की टीम बुदनीन अनिया काशिफ हेडिंग दैट प्रोजेक्ट ये एक कॉम्बो होता है कभी कभार जैसे कि यू नो धूप किनारे हो गया या हमसफर हो गया या उडारी हो गया या इवन अहद वफा बचाला मेरे पास रियली इंटरेस्टिंग ये कुछ तन्हाइयां पचा इवन पुराण खैर बहुत है बट वो कुछ एक कॉम्बो ऐसे होते हैं that just I feel Jackson Heights was one other project like that for me which I loved अगर आपने पता नहीं देखा हो या नहीं देखा हो but Jackson Heights was something we shot in New York हाँ देखा and it's really good yeah मेरी जबाग बड़ा मजेदार है so I feel के sometimes it's the combo of things the timing of things and उनको recreate करना बड़ा मुश्किल होता है so I hope there are a few scripts I'm looking at okay which won't be like Baghi, but something different. something different. You never know. Because even during Baghi time, I remember we were so afraid. Humne hamari shoot bhi almost rukwai gayi thi because of the topics we were handling. Kya naam hai? We were afraid ki ya to ye bahut hi zyada log people are going to hate it or people are going to really love it and we had no idea at the time ke what you're going to do what how is it going to come about what where is it going to go lekin luckily we ended up helping government along with Shamim Ubay to change honor killing laws in our country law change ho gaya us pe to I mean And we got a lot of people to change their mind on Kamil Baloch. In the sense that, yaar, sabki ek. Unki image bahut tha, log samajhte the, bilkul. And this was a real story. To bahut hi zabardast raha tha. Ji. Aapko awaaz aa rahi hai, Ali? Okay. Ji, ji. Sorry about that, yaar. No, no problem. Phone call aage beech mein. Acha, acha, acha. Haan, main keh raha tha ki, I think. That's the biggest thing. I feel ke, if you can make a difference, and I hope that there are a few projects. I am also writing. I could lick me down. I'm working on some Gora projects here. Oh, interesting. Some, okay. With some of my my Canadian and my US writer buddies. So, inshallah. Sure, inshallah. You may see us from that regard. And uske alawa, there are a few interesting projects in Pakistan. There are two films and three drama series that I'm looking at nice. At the moment. And dekhte hain, abhi inshallah, bas abhi to khair, I'm trying to take things a little slow because of the corona thing. I'm trying not to go back to work too soon because sahi nahi hai yaar. Unfortunately, I mean, I know people need to go back to work. I need to go back to work. Yes. Everybody needs to go back to work, yaar. We all have families. We all have things. So, ye na soche. मैं ये नहीं चाहता कि व्यूअर्स सोचे कि हम बाकी सारे इजी ले रहे हैं नहीं सबको उतनी जरूरत है काम करने की यार क्यों नहीं सब 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 की है यार सब की है यू नो एंड इट्स वी जस्ट नीड टू हेल्थ एंड सेफ्टी अबव एवरीथिंग एल्स या बिल्कुल सही है अच्छा अली एक जाते जाते ये बताइए कि आप मैनेज कैसे करते हैं आप बेस्ड हैं कनाडा में आप काम करते हैं मोस्टली पाकिस्तान में हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस साल मैंने अपने आप को क्लोन कराया हुआ है मैंने क्लोनिंग में बिलीव करता हूँ मैं सही है मैंने दो तीन बनाए हुए अली काजमी जो
कभी कभार कसम से वैसे मतलब क्लोन होते तो अच्छा होता लाइफ में। देखिए यार वो सवाल गुड क्वेश्चन, ऑनेस्टली गॉड हैज गिफ्टेड मी विद विद अ लॉट ऑफ कैफीन फ्री एनर्जी, फैक्ट्री फिटेड वो है पहले से ही, सो माई नॉट वाई नॉट मेक द मोस्ट ऑफ इट। द थिंग इज ये एक टाइम होता है, आई थिंक योर 30s एंड योर 40s आर द टाइम व्हेन यू नीड टू वर्क द हार्डेस्ट इन योर लाइफ, एंड सो आई डोंट शाय अवे फ्रॉम अ चैलेंज, एंड ट्रूथ इज जहां भी मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, लकली विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई मदर इन लॉ लिव्स विद अस who is a great help with the kids, sure. And my wife works as well, lekin she's a great partner and always there, and again we all help each other out, so jab main yahan pe hota hu I'm fully hands on with the kids as well while sure. I'm auditioning or ye wo mere sath pe my mother in law helps of course, and so the back and forth is tough, lekin agar aapka support system aur team achhi ho that's true, so yeah it works out probably, so it's very efficiently timed in the sense that I choose selectively the projects, I don't just say acha ha ye bhi kar lete hain, wo aapki thodi si wo leeway zara kam ho jata hai, kam ho jati hai, you have to be a little more efficient, wo time management zara strong honi padti, so I time it out ki yahan pe project khatam ho jaye, so I always give it a gap taki bachcho ka time spend kar saku, right, things like that, and then I make sure ki then I sign the next project in Pakistan, aur usme bhi ye hai ki I'll never go for longer than a month, I make sure कि एक महीने जाके I'll come back and if I have to go for second spell or third spell I'll go back. Sure. So it's all very, it's all time management. That makes so much sense Ali, और thank you so very much for your time. आपने बहुत सारा time हमें दे दिया, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और मुझे उम्मीद है कि हमारे viewers जो देख रहे हैं वो भी enjoy कर रहे होंगे आपकी सारी बातचीत को, बहुत ही मजे की बातें की हैं आपने, all the best with your future projects, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे. Thank you यार. Oh, और जाने से पहले एक बात तुम्हें करना चाहूंगा बहुत जरूरी, वो ये है कि प्लीज एवरीबॉडी लिस्टिंग टू द शो आउट देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी, इट्स रियल प्लेजर, बहुत शुक्रिया, एंड फॉर एवरीबॉडी आउट देयर दैट्स गोइंग टू लिसन टू दिस इंशाल्लाह, आई वांट टू से प्लीज लेट्स टेक दिस टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स एज ह्यूमन बीइंग्स, एंड वंस वी कम आउट दिस इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने कुछ अमेजिंग सीखा हो या छह इंस्ट्रूमेंट सीख ली हो या चार जबाने सीख ली हो, दैट्स नॉट व्हाट इम्पोर्टेंट, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज आई होप दैट यू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ एंड विद योर फैमिली, एंड टेकिंग दिस टाइम, जो रैट रेस दुनिया की तरह स्लो हुई है, टेकिंग दिस टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड योर माइंड एंड बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, सो लेट्स बी काइंडर, बी वाइजर एंड बी स्ट्रॉन्गर टुगेदर एंड बी बेटर टू आवर प्लैनेट इंशाल्लाह। अली की खूबसूरत बात के साथ हम अली आपसे भी जाते लेते हैं और अपने ऑडियंस से भी जाते लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अपने टाइम का, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर, थैंक्स अल्लाह हाफिज।